गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आप हैं मेरे चैनल साइलेंट ट्रेडर पे। कुछ दिन पहले एक RSI वाला ट्रिक्स जस्ट विजुअली आप लोगों को दिखाया था कि कैसे RSI से आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। एंड उसके बाद बहुत सारे मैंने वीडियो लाइव ट्रेडिंग पोस्ट किया ट्विटर पे, व्यू भी दिया, पोस्ट भी किया, वीडियो भी पोस्ट किया। एंड सभी पे एक टेक्निक आप लोगों को दिखाया, मगर कहीं पे भी उसका पूरा डिटेल्स मैंने नहीं दिया। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि RSI से आप ईजीली कैसे ट्रेड कर सकते हो। एंड ये वाला सक्सेस रेशियो कैसा है वो भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। पहले एक चीज़ मार्क कर लेते हैं कि RSI का जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए। एंड उसका आंसर होगा RSI जो डिफ़ॉल्ट में रहता है, दैट मीन्स स्पॉट में 14 इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। कोई भी चार्ट पे आप RSI जब इंसर्ट करोगे तो 14 आपको RSI डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलेगा एंड यही रहने दीजिए, इसको कोई कुछ चेंज नहीं करना। तो क्या चीज़ देखना है RSI में, अब कुछ दो चीज़ आपको जस्ट देखना है, वो है दो लाइन, एक 70 एंड 30, ये रेंज दो आपको पैरेलली इंसर्ट करना पड़ेगा। हम लोग ऐसे सॉफ्टवेयर से इंसर्ट कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस। आपको शायद आपके चार्ट में कोई भी चार्ट प्लेटफॉर्म होगा, उस प्लेटफॉर्म में आपको ये हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म का जो ग्रिड्स है वो मिल जाएगा। RSI का रेंज वैल्यू कहा रहता है, RSI 0 से 100 होता है। एंड आपको फॉलो करना है 30 to 70 एंड इसका जो मिडिल जो लाइन है वो है 50। आपको हर वक्त जो देखना है, जिसको आप जहाँ तक ज़्यादा गौर करोगे और आपको ध्यान रखना है जिस लेवल पर 70 के से ऊपर एंड 30 के नीचे। अभी तक RSI में बहुत सारे एक्सपर्ट ने बहुत सारे ट्रिक्स शेयर किया है। कुछ इजी प्रोसेस होगा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत इजी वाला भी मेरे ध्यान पे है, मगर इजी कॉम्प्लिकेटेड ऐसे कुछ मायने नहीं रखता जब आपका सक्सेस रेशियो अच्छा नहीं होगा। तो ये जो ट्रिक्स है इसका जो सक्सेस रेशियो है मेरे ख्याल से ये 90 से अबव है। मेरे कैलकुलेशन में ये 94 to 95% की सक्सेस रेशियो लेके आता है। अगर आप कंपेयर करोगे RSI के जितने सारे अदर्स ट्रिक्स है उसके ऊपर, रूल्स बाय एंड सेल का जो रूल्स है उसका रूल्स का फंडा में स्टार्टअप करता हूँ। फंडा बहुत बेसिक है, एक तो आपको RSI का ट्रेंड 70 के जब भी ऊपर जा रहा है तब आपको एक ये नेगेटिव ट्रेंड देखना होगा, इस नेगेटिव ट्रेंड को, क्योंकि ऊपर में जब भी जाता है इसको हम लोग सेल करते हैं और नीचे जब आता है स्टॉक परचेस करने का प्लान रहता है। तो इसीलिए अगर आपके पास फ्यूचर का कुछ भी एक्सपोजर हो और फ्यूचर ट्रेड करते हो तब भी ये आपका काम करेगा। आप देख सकते हो ये
70 के ऊपर गया है, तो ये मैं दो पॉइंट, दो हाई पीक पॉइंट, ए पॉइंट वाला एंड ए पॉइंट, इस जो साइड होता है डट नेगेटिव, जो लोअर जो लोअर डायरेक्शन में जो ट्रेंड होता है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ए वाला ठीक है, क्योंकि ए दो ही सबसे बड़ा 70 के ऊपर है। एंड उसके ठीक ऊपर पे आप प्राइस एक्शन पे भी चेक कर लीजिए कि प्राइस वही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, मगर इसमें थोड़ा आप ध्यान आपको लगाओगे कि प्राइस एक्शन जो है वो पॉजिटिव में जा रहा है, मतलब ये ऊपर की तरह चल रहा है एंड RSI आपको एक नेगेटिव पैटर्न दिखा रहा है। तो आपको क्या एक्चुअली सॉल्यूशन में और क्या व्यू में आया है आपके पास, इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको मैच्योर होने के लिए टाइम देना पड़ता है। मैच्योरिटी मतलब किस टाइप का मैच्योरिटी, ये क्वेश्चन होना चाहिए। मैं हर वक्त बोलता हूँ कि स्टॉक जब भी कुछ ट्रेंड लेता है तब भी डिसीजन मत लीजिए कि स्टॉक नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, कोई भी इंडिकेटर कोई भी अगर इंडिकेशन दे उसका भी एक मैच्योरिटी होने का एक टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम के लिए उस टाइम के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हो कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन प्राइस ट्रेंड जा रहा है एंड एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है जो इंडिकेटर दैट मीन्स RSI 14, तो आपको डिसीजन लेना है कि स्टॉक में शायद, मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टॉक में शायद नेगेटिव डाइवर्जेंसी होने का चांसेस है, शायद होगा शायद, क्योंकि जो भी इंडिकेटर शो करेगा उस इंडिकेटर के ऊपर ही स्टॉक जाएगा एक तो प्राइस एक्शन, दैट मीन ये नेगेटिव हो सकता है। आप देख पा रहे हो कि यह पर तो चलाया है, आप देख पा टॉप में स्टॉप में, तब तो मैं यह सेल करूँगा, नहीं यह सेल नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा वेट करेंगे एंड एक ब्रेकआउट के लिए दैट मीन्स इस पॉइंट से हम लोग ए वाला पॉइंट जोड़ेंगे एंड उसको छोड़ देंगे, एक्सटेंड करेंगे ए वाला पॉइंट से, एक्सटेंड करेंगे ए वाला पॉइंट से, एक्सटेंड करने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि ट्रेंड का ट्रेड कहाँ लेना है।